हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बायोटिक का ये ओशन स्कैल्प एंटी हेयर फॉल शैम्पू। और ये शैम्पू कितना सही है, आपको पिक करना चाहिए कि नहीं, उसी के रिगार्डिंग रहेगा ये वीडियो। तो गाइस, अगर आप इसको पिक करना चाहती हो, ज़रूर से ये रिव्यू जो है आप ज़रूर से देख लीजिए। उसके बाद जो है, भले ही आपको अच्छा लगे तो पिक ज़रूर से कीजिएगा। तो गाइस, इसके जो नेट कंटेंट है, ये 190 ml का प्रोडक्ट है और इसकी जो MRP कॉस्ट है, ये 169 rupees की प्रोडक्ट है। ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है रिसेंटली, दैट इज मार्च 2023, और इसकी जो एक्सपायरी है गाइस, ये है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। एंड इवन दो गाइस, इट इज लाइक ब्लू इन कलर एज यू कैन सी हियर। एंड इवन दो आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट आफ अ मंथ, एंड यहाँ तक जो है ख़त्म हो चुका है और मैं लिटरली इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ अभी। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज लाइक आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, आपकी जो हेयर है ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सेकेंड थिंग जो मैं नोटिस की हूँ, इट इज़ लाइक एंटी हेयर फॉल शैम्पू, जो कि मुझे लगा ही नहीं। हेयर फॉल तो मेरा उतना ही होता है जितना दूसरा शैम्पू यूज़ करने के बाद जितना होता है। थर्ड थिंग इज़ दैट गाइस, आई डोंट नो वेदर इट वुड वर्क गुड ऑन योर हेयर्स और नॉट, बट इट इज़ कम्प्लीटली, आई एम जस्ट नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट गाइस, क्योंकि ये मेरे हेयर्स को कहीं ना कहीं एक तरह से बेजान कर दिया था वेल यूजिंग दिस प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली गाइस, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। बट एक बात ये, हर एक व्हाट टू से स्किन के ऊपर, हर एक के ऊपर भी जो है प्रोडक्ट डिफरेंटली वर्क करती है। इवन दो आई डू हैव अ ड्राई स्किन एंड इस ये प्रोडक्ट मेरे लिए उतना सही से काम नहीं किया है। तो इसको ईच एंड एवरीथिंग देखते हुए अगर मुझे इसको रेटिंग देना पड़े, तो 5 में से ये मेरा सिर्फ 1.5 रेटिंग डिजर्व करती है। सो इवन दो इफ़ यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट गाइस, ज़रूर से शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे लगा। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे हेयर्स पे ये अच्छा काम नहीं किया है तो आपके हेयर्स पे भी अच्छा काम ना करे। हो सकता है कि आपके हेयर्स और स्कैल्प पे जो है अच्छे से काम करे, बट फॉर मी इट इज़ नॉट ओके प्रोडक्ट। आई एम नॉट सेटिस्फाइड एंड डेफिनेटली गाइस, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू पिक दिस प्रोडक्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइस वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सी यू सून गाइस विद द नेक्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू। टिल देन बाय बाय गाइस।